हेलो स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, वही प्लेटी है नी। वही प्लेयर है। ओके है ना, प्लेट से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो है थोड़े डिस्कस लूपिंग है ना, लूपिंग क्या होती है, किस टाइप से वर्क करती है ना। तो लूप मतलब आप जब एक ही जगह पर घूमते रहते हो है ना, उसको अपन हमेशा लूप बोलते हैं, जब आप एक ही पोजीशन पर घूमते रहते हो ठीक है, किसी एक है ना रूट को फॉलो करते हुए। तो लूप में जो फर्स्ट टाइप ऑफ लूप है वो है फॉर लूप। फर्स्ट टाइप ऑफ लूप इज फॉर लूप है ना। सिंटेक्स क्या होगा इसके लिए, सिंटेक्स देख लेते हैं फॉर लूप के लिए। फॉर वेरिएबल है इन रेंज, इसको थोड़ा सा फॉर वेरिएबल इन रेंज है ना, स्टार्टिंग रेंज है ना, ये स्टार्टिंग है और कॉमा एंडिंग रेंज है ना, स्टार्टिंग कॉमा एंडिंग रेंज ठीक है। ये आईएनजी लगा लेना आप लोग, स्टार्टिंग कॉमा एंडिंग रेंज। और यहाँ पे क्या आएंगे स्टेटमेंट, स्टार्टिंग रेंज एंडिंग में, और यहाँ आएंगे स्टेटमेंट्स। प्लीज राइट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट है ना, तो अब अपन जो है इसका एग्जांपल देख लेते हैं, किस टाइप से फॉर लूप वर्क करता है पाइथन में, कैसे आगे बढ़ते हैं है ना। अच्छे से समझना क्योंकि लूपिंग भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होती है ना? तो देखो सबसे पहले अगर सपोज मुझे नंबर प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो किस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हो, विल सी हियर है ना, वो अपन लोग देखेंगे। तो उसके लिए जैसे फोर सपोज वेरिएबल ए है ना, जो अपन ने सिंटेक्स में वेरिएबल लिखा था वो अपन ने लिखा ए फोर ए इन रेंज है ना, ए इन रेंज। अपने को 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 5 तक। अब समझना अपने को जाना कहाँ तक है 5 तक, तो आपकी रेंज कहाँ और क्या होना चाहिए यहाँ पर 6 है ना। क्योंकि ध्यान रखना लूप कहाँ तक चलता है, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज -1 है ना। स्टार्टिंग रेंज अगर मैंने इस टाइप से लिखा है स्टार्टिंग रेंज, और ये क्या होगा दिस इज एंडिंग रेंज -1। आ रहा समझे,
और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए, तो क्या होगा फोर ए इन रेंज, ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, ए की सबसे पहली वैल्यू क्या आई वन, है ना, फिर ए की वैल्यू वन से इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर कितनी होगी टू, फिर थ्री फोर फाइव, मतलब जो रेंज है वो कहाँ तक जाएगी वन टू फाइव, क्योंकि अपन ने यहाँ ध्यान कर दिया हुआ सिक्स, तो इससे एक माइनस तक चलता है लूप, लूप जो है इससे एक माइनस तक चलता है, तो आपको लूप जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ये स्टार्टिंग रेंज तो बनी रहेगी, ये हमेशा वन माइनस तक चलता है, वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, है ना, अब मैं इसकी रेंज जो है चेंज करता हूं, सपोज फॉर एन रेंज मैंने यहां लिखा 1.11, तो अब जो नंबर प्रिंट होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, इस केस में अगर मैंने यहां लिखा प्रिंट ए, अगर मैंने लिखा प्रिंट ए, तो जो ए की वैल्यू है वो रेंज कहां तक है, 1 से 11 तक, लेकिन जो नंबर प्रिंट होंगे वो कहां तक होंगे 1 to 10, मीन्स 1 to 3 अप टू 10, क्योंकि ये लास्ट वाले नंबर से एक माइनस तक आपका लूप चलता है, ओके, तो मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया है ना, अब कुछ चीजें और देखते हैं इसी लूप में, इसमें देखो जनरली अपन ने कौन से दो पैरामीटर दिए, स्टार्टिंग और एंडिंग, है ना, ये दो पैरामीटर दिए, इसमें एक पैरामीटर और भी पॉसिबल है, एक पैरामीटर और कौन सा पॉसिबल है कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेट कर सकता हूँ, खासकर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेट कर सकता हूँ, देखो फॉर एन रेंज 1.11 मतलब चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 11 तक, लेकिन अब जो इंक्रीमेंट होगा मतलब जो ए बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा 2 से, ए जो बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा 2 से, इस टाइप से देखो यहाँ पर मैंने अगर 2 लिखा इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा था पहले क्या हो रहा था समझ अच्छे से, अगर मैंने 1 to 11 लिखा है तो ए की जो वैल्यू है वो 1 से 1 हो रही है, फिर 1 प्लस हो रही है 2, फिर 1 प्लस 3, फिर 4, फिर 1 प्लस 5, इस टाइप से चल रही है 10 तक, है ना, मतलब जो वैल्यू ए है इट इज इंक्रीजिंग बाय 1, अगर आप और किसी नंबर से उसको इंक्रीज करना चाहते हो, अपने लूप को दूसरे किसी नंबर से इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर जो है एज ए थर्ड पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, सपोज मुझे 2 से इंक्रीज करना है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज बाय 2, तो क्या होगा यहाँ पर मैंने लिखा 2, और मैंने यहाँ लिखा सपोज प्रिंट ए, है ना, तो अब क्या होगा समझो, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 1, है ना, 1 होने के बाद में फिर सीधे 2 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3, है ना, 3 के बाद में 5, फिर 7, और फिर क्या होगी वैल्यू 9, आ रहा समझ में, है ना, सबसे पहले कितनी वैल्यू हुई 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 तक तो चलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर यह रेंज 11 है तो 11 माइनस 10 वैल्यू तक ही पॉसिबल है, आया सभी को समझ में, आपको क्या करना है लूप चलाना है और ये कहां तक चलेगा अभी इस टाइप से, इज देयर एनी कंफ्यूजन, आई शुड एक्सप्लेन अगेन, ओके रिपीट करना है, ठीक है अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, वेट, जैसे आपको जो है 1 to 10 में, 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी और नंबर्स आते हैं
वो प्रिंट करना है, है ना। यू हैव टू प्रिंट और नंबर बिटवीन 1 to 10 विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो आप कैसे लगा सकते हैं, एक तरीका फोर ए इन रेंज, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ ले लिया सर 10 ले लेता हूँ, है ना। मैंने इंक्रीज किया 2 से, है ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्या चाहिए 1, फिर चाहिए 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, है ना। अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए। अब समझ लें इसको अच्छे से। सबसे पहले ए की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1 फॉर ए इन रेंज 1, ये क्या हो गई अपनी स्टार्टिंग वैल्यू, है ना। सबसे पहले इसने यहाँ से ये लूप चला स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद में लूप यहाँ गया, इसने जो वैल्यू थी ए की उसको 2 से इंक्रीज कर दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 2, तो 2 से जब इंक्रीज हुआ तो 1 थी उसमें 2 प्लस हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 3। और चलना कहाँ तक है, 10 तक, 10 तक भी नहीं चलना है, 9 पर ही लूप एंड हो जाएगा, एक माइनस पर ही लूप एंड हो जाता है। ये अपनी एंड रेंज है, इसके पहले ही आपका लूप, इसके पहले तक की वैल्यू तक आप जा सकते हो, इस वैल्यू को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 5, फिर इसके बाद में 2 से इंक्रीज हुआ देन इट विल बी 7, फिर इसके बाद में 2 से इंक्रीज हुआ देन इट विल बी 9। ऐसा में जैसे इसकी वैल्यू 11 होगी तो ये रेंज के बाहर हो जाएगा, क्योंकि अपनी वैल्यू, अपनी जो रेंज है वो कहाँ है, 1 से 10 तक, और आपकी वैल्यू कितनी, मतलब वैल्यू ऑफ ए इज 11, तो आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, नाउ यू विल बी आउट ऑफ द लूप। वो टिप सामने आए इतना, है ना, अब सामने आया आपको ये चीजें। अब अगर मुझे सपोज यही काम करना होता कि 2 जो है, सॉरी इसमें मुझे ओड नंबर्स प्रिंट करना होते 1 to 10, है ना, इफ आई वांट टू प्रिंट, सॉरी इवन नंबर्स प्रिंट करना होते बिटवीन 1 to 10, तो क्या लॉजिक लग सकता था, 0 to 11, है ना, 0 to 11, या इसको 1 to 10 करना है तो यहां पर मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। फिर मैंने लिखा और यहां पर भी क्या होगा 2, यहां मैंने लिखा प्रिंट ए, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2, फिर इंक्रीज होगी 4, फिर इंक्रीज होगी 6, देन 8, देन 10, और उसके बाद में आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे वैल्यू 12 होगी तो ये रेंज के बाहर चले जाएगा, देन योर लूप विल बी आउट ऑफ द रेंज। समझ में आया सभी को, है ना। तो इसमें 3 पैरामीटर हो सकते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन कि ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, और ये क्या है, आप कितने से इंक्रीमेंट, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, वो है कि आप कितने, मतलब जो स्टेप्स हैं वो आप कितने से आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, 2, 3। अगर सपोज मैंने इसको यहाँ 3 कर दिया होता, सपोज मैंने यहाँ लिखा 3, देन प्लीज राइट डाउन नाउ आउटपुट। अब आउटपुट क्या आएगा लिख सकते कमेंट बॉक्स में, मनीष 11 इंक्लूड नहीं होगा, 11 इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये लूप तो फॉल्स हो जाएगा ना, 11 तक तो जाना ही नहीं, उसकी लास्ट रेंज ही क्या है 10, 10 प्रिंट हो सकता है अगर हो रहा है तो, अदरवाइज 11 तो प्रिंट हो ही नहीं सकता।
है ना, इसलिए आउटपुट विल बी इलेवन कॉमा वन। उसका भी मैं बताता हूँ, भी उल्टा लूप चलाना है तो कैसे। इसको भी अपन देखते हैं क्या खेल, समझना इसको। फोर ए इन रेंज, यहाँ पर लिखा है 11.1 है ना। देखो पहली चीज तो ये है कि ये लूप नहीं चलेगा, अगर इस टाइप से लिखा है तो नहीं चलेगा। अगर इस लूप को आपको रन करना ही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस वन तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा इस लूप का। मैंने यहाँ लिखा फॉर ए इन रेंज 11.1, -1, ठीक है, वेरी गुड है ना। समझ में आ रहा है मतलब, है ना, 11 to 2। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आया 11 to 2 कैसे आउटपुट आया इसका। अथर हु इज नॉट देयर इन टुडेज क्लास, हाँ डिक्रीजिंग के लिए आपको माइनस साइन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलो नहीं, अगर आपको लूप को डिक्रीज करना है तो आपको माइनस साइन जो है वो लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने इस टाइप से चला दिया इसको प्लस वन के केस में, तो फिर तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। जो मीट का क्वेश्चन था कि ये लूप का क्या होगा, तो ये लूप फिर इस टाइप से चलेगा कि वो एक से इंक्रीज होते जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप है, ये कभी एंड ही नहीं होगा। आप चला करके देखना है इस टाइप का लूप, तो ये रन नहीं, रन तो होगा लेकिन ये इनफाइनाइट चलेगा, 11, 12, 13 ऐसे चलते जाएगा। फिर मेरे हिसाब से तो ये लूप नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको इस लूप को सही चलाना है तो फिर आपको यहाँ पर -1, -2 इस टाइप से देना पड़ेगा। ठीक है, कोलन लगाना जरूरी है, जो रेंज है उसके बाद में आपको, है ना, जो एंड होता है वहां पर आपको कोलन लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। सिंटेक्स का पार्ट है ये भी, जैसे आप इफ में कोलन लगाते थे वैसे आपको यहाँ भी कोलन लगाना है। अब जो है इसमें नेक्स्ट वन इज, लिखो राइट ए प्रोग्राम, टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, है ना। एक तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। सेकेंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन
नंबर, ये दो प्रोग्राम आपको बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। लिख लो, ये दो प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब टेबल वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मतलब करना क्या है, आपको एक नंबर इनपुट लेना है ना, और उस नंबर की टेबल जनरेट करना है। सपोज 5 इनपुट लिया तो 5, 10, 15 अप टू 50 है ना, 10 टाइम्स ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, टेबल ऑफ अ गिवन नंबर ये वाला प्रोग्राम में तो आपको टेबल प्रिंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इजी प्रोग्राम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सेकेंड प्रोग्राम क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने इनपुट लिया 5 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 120 है ना। अगर सपोज मैंने फैक्टोरियल लिया 4, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 24। जो भी नंबर लेते हो उसमें वहां से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक नंबर कम करते हुए, है ना। सपोज मैंने जो इनपुट है वो 6 ले लिया, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा, आई थिंक 720। ठीक है, इस टाइप से। तो फैक्टोरियल जो है, आपको एक नंबर इनपुट लेना है और उसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। ये दो प्रोग्राम है आपके सामने, एक तो टेबल ऑफ ए गिवन नंबर एंड सेकेंड वन इज फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ये दोनों आपको ट्राई करना है, है ना। फैक्टोरियल समझ में आया, अब मैं कुछ सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूं, उनके आपको आउटपुट निकालना है। ठीक है, फॉर ए इन रेंज है ना, 5, 25, 3 मैंने यहाँ लिखा, प्रिंट ए प्रिंट ए, प्लीज राइट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। बाकी स्टूडेंट्स देखो, यहां पर जो है मैंने डबल कोट्स में ए लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ए वो ए जो है एज इट इज प्रिंट होगा, और यहां मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ए विल बी प्रिंटेड। तो फॉर ए इन रेंज स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 5 से है ना, 25 तक जाना है, और जो इंक्रीमेंट है वो 33 का होगा। तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में है, फिर वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी तो कितनी है, 5,
फिर थ्री से इंक्रीज होगा, फिर से ए प्रिंट होगा पहले, और फिर क्या होगा यहां पर वैल्यू कितनी होगी, एट, ठीक है। फिर क्या होगा यहां पर ए, फिर इलेवन, फिर ए फोर्टीन, फिर ए सेवनटीन, फिर ए ट्वेंटी, है ना, फाइव ए इलेवन फोर्टीन सेवनटीन देन ट्वेंटी और ए 23 तक, मतलब ये इसका आउटपुट आएगा। यस, फर्स्ट ए देन नंबर, फर्स्ट ए फिर नंबर, फिर ए फिर नंबर, एक बार ए प्रिंट होगा फिर नंबर, एक बार ए फिर एक बार नंबर, इस टाइप से, है ना। इसके और एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको इसी टाइप के। सपोज फॉर ए इन रेंज 1.8 है, यहाँ प्रिंट बी प्रिंट ए, क्या आउटपुट आएगा इसका। यस, अच्छी तरह यहाँ पर जो ए है ये डबल कोट्स में है, इसलिए नंबर प्रिंट नहीं होंगे, एज इट इज प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बी प्रिंट होगा फिर ए प्रिंट होगा, फिर से बी प्रिंट होगा फिर ए, ये कब तक चलेगा, सेवन टाइम्स, है ना, सेवन टाइम्स, इसलिए क्योंकि 1 to 8 रेंज है, तो वन वन के लिए चलेगा, है ना, फिर टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव सिक्स और सेवन, मतलब वन के लिए एक बार बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, इस टाइप से सेवन टाइम्स चलेगा। फोर्टी आया समझ में। और एग्जांपल देखते हैं इसके। नो इशू, प्लीज राइट डाउन द आउटपुट ऑफ दिस। हाँ नहीं तो आपका सही था। यस, चलो नहीं सही आउटपुट है। ना सबसे पहले यस 12y प्रिंट होगा, फिर 10y, फिर 8y, फिर 6y, देन 4y, है ना, 2 तक है, 2 तक तो जाना ही नहीं है, ना, तो ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने जो प्रोग्राम दिए थे, है ना, दो प्रोग्राम दिए थे, एक तो ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर्स, ना, एक तो ये प्रोग्राम और एक प्रोग्राम था डिवीजन ऑफ ए स्टूडेंट, अपने को स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पर डिवीजन निकालना था, ठीक है। तो
इनको अपन मैं लाइव जो है कंप्लीट करूंगा, इनको लाइव आपको पूरा करके दिखा दूंगा कि किस टाइप से आप ये दोनों प्रोग्राम किस टाइप से बनाना थे, है ना। कुछ स्टूडेंट ने सेंड भी किए मुझे, तो मैं करेक्ट प्रोग्राम जो है आपको बना करके दिखा रहा हूँ, है ना। अभी जो है आप मीटिंग लेफ्ट कर दो, मैं फिर से बताऊंगा, फिर आप फिर से ज्वाइन हो जाना।